गाइज, वैसे तो इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर बहुत पहले ही आ चुका है, पर स्टिल अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ा रिस्क समझते हैं और इससे हमेशा दूर रहते हैं। बट इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो होता है लैक ऑफ नॉलेज और लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जबकि ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, एंड अगर कोई अपने पैसे के थ्रू और ज्यादा पैसे बनाना चाहता है तो उसको अपने इन पैसों को इन्वेस्ट करना ही होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग रन में लोगों को अच्छे पैसे बनाकर देती है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ये बेसिकली लोग दो तरह से कर सकते हैं, पहला स्टॉक और दूसरा म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे लगाते हैं तो यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स तभी पाए जा सकते हैं जब आपको इसकी नॉलेज हो, पर हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर लोगों को स्टॉक मार्केट की कोई खास नॉलेज नहीं होती और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपने डेली कुछ घंटे निकालते रहें और इसकी नॉलेज लेते रहें। और यहीं पर म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर स्टॉक के कंपैरिजन में पैसे इन्वेस्ट करना आसान है और दूसरा आपको हर वक्त इसे मैनेज करते रहने की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है ये सिर्फ बोलने वाली बात है, रिस्क यहाँ पर भी होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जाकर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं वो इजी तरीके से समझ जाएं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। वेल, आसान भाषा में बोलूं तो म्यूचुअल फंड एक तरह का फंड होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्टर से कलेक्ट किए गए पैसों से अलग अलग सिक्योरिटीज खरीदता है, जैसे इक्विटी, डेट कैपिटल, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा। इन पैसों को लगाने के बाद जब फंड मैनेजर को रिटर्न मिलता है तो वो प्रॉफिट को सभी इन्वेस्टर्स के बीच डिसाइडेड रेशियो में बांट देता है। एग्जाम्पल लेकर समझें तो मान लो आपने 10,000 रुपए कमाए जो आपको नहीं पता कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करने हैं, तो ऐसे में अब आप किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं और उसे अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हैं, जिसके बाद वो एक्सपर्ट आपकी जगह उन पैसों को इन्वेस्ट करता है और उन्हें मैनेज करता है। फिर कुछ टाइम बाद जब उस एक्सपर्ट को उसके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है तो रिटर्न का कुछ परसेंट अपने पास रखकर आपको वो बतौर प्रॉफिट सारे पैसे आपके वापस कर देता है। म्यूचुअल फंड भी ठीक इसी तरह काम करता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आ गया है। अब म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है ये तो आपने जान लिया, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे मिलते हैं। वेल, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से फायदे तो बहुत होते हैं, बट लोग जिस वजह से इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो है, नंबर 1, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। जब आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाते हैं तो आपको अपने पैसों को खुद मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके बदले आपका ये काम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स करते हैं और वो हर वक्त आपके फंड को ट्रैक करते हैं, जिससे आपका फंड सेफ रहता है। नंबर 2, कन्वीनियंस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लिटरली बहुत ज्यादा इजी है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भी इजीली अपने फंड के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 3, बिगिन विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स भी इस बात पर एग्री करते हैं कि बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, क्योंकि ये फंड लोगों को कम पैसों में इन्वेस्टमेंट शुरू करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कोई भी बिगिनर इन्वेस्टर 500 रुपए या उससे भी कम अमाउंट में SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना शुरू कर सकता है। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन करने की पूरी फैसिलिटी देता है, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क और लॉस को बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को इस तरह से ही डिजाइन किया गया है कि इसमें इन्वेस्टर्स जितना चाहें उतना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नंबर 5, टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स कैलकुलेशन में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ATC डिडक्शन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक, बॉन्ड, डेट, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपको RTR भरते टाइम डिडक्शन दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका टैक्स पेएबल अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। अब इतने सारे बेनिफिट्स देखकर अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड भी कई अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इस तरह के म्यूचुअल फंड को इक्विटी यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, पर इसमें भी 3 तरह की वैरायटीज होती हैं। ये लार्ज कैप हो सकता है, मिडिल कैप हो सकता है या स्मॉल कैप हो सकता है। लार्ज कैप के अंदर टॉप 100 कंपनीज आती हैं, मतलब लार्ज कैप में अगर आपका पैसा लग रहा है तो वो इंडिया की बेस्ट 100 कंपनीज में लगेगा। मिडिल कैप में टॉप कंपनीज लिस्ट के 101 से 250 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और स्मॉल कैप में 250 से ऊपर या फिर नीचे की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप में होता है और सबसे कम लार्ज कैप में, सो बिगिनर्स के लिए लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही एक अच्छी चॉइस हो सकती है।
नंबर टू, डेट म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और गाइस, डेट म्यूचुअल फंड में आपको एक अशॉर्ड इनकम मिलती है, जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड का रिस्क और रिटर्न दोनों ही इक्विटी से कम हो जाता है। नंबर थ्री, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इन केस अगर आपको अपने पैसों को इक्विटी और डेट दोनों में लगाना है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स पैसों को इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यही रीजन है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ही सबसे ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। बट गाइज, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की भी काफी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड में एसेट्स का 75-90% डेट में और 10-25% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड में एसेट्स को एक बैलेंस रेशियो जैसे 40-60 या 70-30 में डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस तरह के फंड में एसेट का 65-80% इक्विटी में और 20-35% डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। चौथा है इक्विटी सेविंग फंड। इस कैटेगरी में एसेट्स के 65% पोर्शन को इक्विटी में और 10% डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरीज हैं, बट बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए इन्हीं हाइब्रिड कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं। एक बात जो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदने जैसा नहीं होता, बल्कि ये आप समझ सकते हैं कुछ कुछ बैंक अकाउंट जैसा होता है, जिसमें आप अपने पैसे डालते हैं और टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद आपको डिसाइडेड रेट के हिसाब से रिटर्न दिया जाता है। अब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, पहला तो लमसम अमाउंट और दूसरा SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप एक ही बार में अपना सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, जो सिलेक्टेड टाइम पीरियड में बढ़ता रहता है। और SIP का मतलब होता है कि आपने एक अमाउंट डिसाइड किया जिसे आप हर महीने अपने फंड में जमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी चीज की EMI भरता है। पर जहां पर EMI आपका एक्सपेंस होता है, वहीं पर SIP आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। वैसे SIP के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब वैसे तो आप म्यूचुअल फंड में किस तरह से पैसे लगाएंगे ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है, पर कुछ चीजें हैं जिसे हर बिगनर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कंसीडर करनी चाहिए। नंबर एक, हैव एन इन्वेस्टमेंट गोल। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे पास कोई गोल होता है तो हम अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, क्योंकि जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट गोल होता है तभी आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट गोल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक पेन और एक पेपर लेना है और उसके अंदर सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखने हैं। लाइक आप 5 साल में कितना पैसा जमा करना चाहते हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अप्रोक्स कितना रिटर्न चाहिए एटसेट्रा। ये करने के बाद आपको एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। ऐसा करने से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप अपना मनचाहा अमाउंट कितने टाइम में जमा कर सकते हैं, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट गोल बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। नंबर टू, चूज द इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल केयरफुली। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज होती हैं, तो ऐसे में अपने लिए एक सही कैटेगरी सेलेक्ट कर पाना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। अब वैसे तो इन कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बट किसी भी प्रोफाइल में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले इनके बारे में और रिसर्च करना आपके लिए जरूरी है। नंबर थ्री, डोंट फोकस टू मच ऑन पास्ट रिटर्न्स। बहुत से लोग जब म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं या अपने पैसे सच में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी पिछली रिटर्न्स में ही रहता है, और ये चीज मेनली तब होती है जब उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पर पहले ज्यादा रिटर्न मिली हो। इस कैटेगरी में लोग हर बार उसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें पहले अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं आती और कभी कभी तो ये आपके पैसे तक डुबा सकती है, इसलिए इस स्ट्रेटेजी को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना। नंबर फोर, Returns are not guaranteed. Well, देखो म्यूचुअल फंड में ये चीज तो पक्की रहती है कि आपको कुछ अमाउंट तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ ये सोचकर पैसे लगा रहे हैं कि मुझे तो यहाँ से स्टॉक मार्केट से भी अच्छी रिटर्न्स मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आपको हर इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड, दोनों में ही प्रॉफिट कंपनीज की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कभी ये प्रॉफिट कम होता है तो कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है।
तो ये थी गाइज म्यूचुअल फंड के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आएगा। बस आपको यहाँ पर अपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और अपने आपको रजिस्टर करना है। एंजल वन एक काफी रिलायबल एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें 4.2 की रेटिंग्स के साथ 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल बनाकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग अपने म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो गाइस आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इस सब के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वह आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।